गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, मुझे एक प्रोडक्शन हाउस ने इनवाइट किया है, अपने ऑफिस बुलवाया है, तो आज हम बस वहीं जा रहे हैं। और ये है मेरा आज का आउटफिट, तो बताना कैसा लग रहा हूँ मैं। लेट्स गो, अभी हमारी कैब आने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। हरमन बताया नहीं था जाने वाला। कार्तिक, कार्तिक है ना ये? ये है भाणे, भाणे। और ये शर्माने वाला आयुष, शर्मा तो है ना ये आयुष, बहुत शर्मा जा रहा है। ये देखिए, जा रहा है कि जा रहा है, कहीं काम से जा रहा है, चल रहा है। ये देख, हाय बोल रहे हैं ना, हाय बोल कार्तिक, कार्तिक हाय तो बोल। तबीयत सही है अभी? क्या हुआ था? ये गणपति की मिट्टी ना ट्रांस में डालते हैं, तो उसमें ट्रांस में डालते डालते पानी में पूरा भीग गए थे, तो इसको बुखार, फिर इसको भी कुछ तो हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था। हरमन बुला रहा है, चलो अंदर जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन सीरा, यू आर अ वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट, प्लीज आइए। 8 सालों की मेहनत, 300 से ज्यादा ऑडिशन और उसकी सक्सेस, करीना कपूर जैसी सेलिब्रिटी के साथ में एज अ लीड, प्लीज क्लैपिंग। 5 से 6 बड़े बड़े एक्ट इसने किए हुए हैं और उसने लीड एक्टर में काम किया है, मेरे साई, ये नेशनल लेवल का टीवी सीरियल से, उसमें इसने लीड में काम किया है, बालिका वधु सीरियल, उसमें प्लीज क्लैपिंग। उसने लीड में काम किया है, ओके। फिर उसने और आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, मैं उसको प्रेशर नहीं डालती हूँ, मैं बोलती हूँ 60 से ऊपर होना चाहिए, 60 से पहले नीचे हूँ, 50-60 के बीच में हूँ, वो प्रेशर मैं इसको नहीं देती हूँ। मुझे तो मुझे पता है कि इसको जो लाइन में जाना है उसमें पढ़ाई की इतनी जरूरत है नहीं, तो जिसकी जरूरत है उसको वो उतना कर लेता है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, प्लीज क्वेश्चंस पूछिए, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं वापिस बता, 300 ऑडियो भी मैं ज्यादा बोलूंगा तो इसकी मम्मी वापिस रो जाएंगी, राइट। फिर भी मैं बोला हूँ कि आप लोग रेडी रहिए, इजी नहीं होता, अब 10,000 की नौकरी के लिए भी 15 ऑडियो पर 20,000 जाते हैं तो भी नहीं मिलती, तो यहाँ इसने करीना कपूर के जो लेवल पर बताया है, 300 ऑडिशन, 8 साल की मेहनत है, बहुत सारा परिश्रम करना, चेंज योर माइंड, चेंज, आप अपना मेंटालिटी बदलिए, आपका बेटा भी यहाँ आ सकता है, ये इन्होंने मैजिक नहीं किया, दैट्स इट, इनको पहले ही पता चल गया, जाएंगे मिलेगा। और प्लीज एक बार सुनिए फिर क्लैपिंग करना, इस बच्चे के एटीट्यूड के लिए आप बाद में क्लैपिंग करना, कि उसकी मम्मी इतनी मैच्योर्ड है, प्रिंसिपल है, कितने लोगों को मोटिवेट करती है, बट वो अपना बच्चा परेशान होता है तो उन्होंने पता कि मैं हिम्मत हार जाती हूँ, बट इसका एटीट्यूड थिंकिंग ही आगे बढ़ाएगा, तो प्लीज बिग गिव अ बिग क्लैप। आप नहीं आगे बढ़ते, उसमें सिर्फ सोच है, सोच, इनको हमने कुछ भी काम नहीं दिलवाया, शायद एक या दो इसने बोला ना, जिनको करना है वो रास्ता ढूंढ ही लेता है, स्किल होती है। उसका भाई है ना, उसका अच्छा बिजनेस है, मतलब ब्रेन ब्रोकर है वो, काफी अच्छा बिजनेस है उसका, तो इसको मैं बोलती हूँ कि तू उधर चला जा, वो अच्छा बिजनेस है, बैठे बैठे फोन पे तू बात करेगा और कमाएगा, बट इसका एटीट्यूड ऐसा, ही करूंगा तो यही करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा, तो ये पैशन है ना, ये पैशन की वजह से मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको करना है तो करना है, ये मेरे जैसा है, जैसे मुझे करना होता था ना अपने लाइफ में, डिसीशन ले लिया था कि कमाना है इतना तो मैं करती थी, तो इसका भी यही पैशन है कि मैं करूंगा तो यही करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, तो मुझे अपने बच्चे को हेल्प करनी ही पड़ती है किसी भी हालत में, मैं टूट जाती हूँ सही में, लिटरली मैं टूट जाती हूँ ऑडिशन दे देकर। और ये आगे बढ़ेंगे, राइट, ये लर्निंग जो सक्सेस आपके लिए है, बट इनके अभी भी पता है कि भैया ये जब तक करते जाएंगे, फील्ड ऐसी है कि करते जाएंगे स्ट्रगल तो रहेगी रहेगी, एक लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंचना है, एक उसके आज भी ये लेवल के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इनको भी नया एक प्रोजेक्ट चाहिए तो और वापिस वही फर्स्ट राउंड,
वहाँ से वापिस ऑडिशन, राइट ना बेटा, वापिस ऑडिशन, वापिस मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं कि करीना ने ऐड की तो बेटा तू सीधे फ्लोर पर पहुंच जाए। यही है, रोज ऑडिशन देना पड़ता है, राइट ना। तो वापिस सारी ऑडिशन, एक बार बिजनेस सेट हो जाए तो फिर उसका 50% काम रह जाता है, लेकिन इसमें हर प्रोजेक्ट के लिए नया ऑडिशन, नया मॉक टेस्ट, नई स्क्रीन टेस्ट, ये चीज तो है। बट अगेंस्ट दिस इज अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट इनके लिए, प्लेस क्लैपिंग। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। मैं मेरे लेवल पर तेरा पक्का ध्यान रखूंगा, तेरे जो भी आप मेहनत करते हो उसमें मैं भी आगे 5-10-15% डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करूंगा, उसमें कोई वो नहीं है। ओके, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, इवन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। इनके टाइम पर वही था कि मेरे 4 साल के गैप में मनीष जी अकेले थे, अब 1+1=11 हम लोग आपके साथ हैं। आपकी स्ट्रगल इन्होंने जो कि उससे 5% तो कम होगी, राइट। बट आप समझ लीजिए, यहाँ आपको बहुत ये 300 ऑडिशन अपने हिसाब से ढूंढे, मैंने दिए 300 ऑडिशन बेटा, अपने ढूंढे ना, तो इन्होंने फिर भी वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। और आप क्या सर कर दो, नहीं, यहाँ 5 करोड़ दो सर को, फिल्म बना लो, फिल्म नहीं चलेगी, 5 करोड़ भी डूबेगा, सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब भी, एक बात शेयर करना चाहूंगी, जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं ना, तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, जैसे शाहरुख खान उस लेवल तक कैसे पहुंचा। एक बार मैंने इसको, मतलब बहुत ऑडिशन से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो मैंने बोला चिराग छोड़ दे, अभी मुझसे नहीं होता है, क्योंकि ऑडिशन ईजी नहीं होता, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सेट है लेकिन हमारे रूम्स में इस तरह का सेटिंग नहीं है, तो कितनी बार मुझे वो फॉक्स जो है वो पकड़ के ऐसे खड़े रहना पड़ता है, और ऑडिशन में 20-25 मिनट तो जाते ही है, तो बार बार फॉक्स पकड़ना, तो ये थोड़ा टायरिंग रहता है, तो मैं थक गई थी बहुत, और इसको मैंने बोला छोड़ दे, तुम्हें काम मुझसे नहीं होता। तो इसने मुझे इंस्टेंटली एक वीडियो सेंड किया, वो वीडियो था शाहरुख खान का, पूरा मोटिवेशन। यस यस, मैं रात को सोता नहीं, सोना बंद कर दीजिए, वही वाला ना, काम करिए। सोया था शाहरुख खान, बड़ा बहुत खाता था, मतलब उसने इंस्टेंटली मुझे जब वो वीडियो सेंड किया तो मैंने वो देखा, फिर मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ बच्चों के साथ, अपने बच्चे के साथ, इसको इतना पैशन है तो मुझे करना ही पड़ेगा कुछ भी। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबका नहीं गलती है, यहाँ आ गए तो बाकी सारा मैं कर लूंगा, यानी हम कर लेंगे, वो माइंड सेट नहीं हो सब लोग, राइट ना, प्लीज चेंज योर माइंड। इसकी मम्मी ने 300, प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे, हम लोग है यहाँ, हम लोग इनको हाथ जोड़ जोड़ के पकड़ के लग रहा थे कि प्लीज, जैसे इनको एक शाहरुख खान के वीडियो ने हेल्प की ना, ये आई हेल्प करेगा, यस और नो, ये आए हेल्प करेंगे आपको, तो यस मैं विकी सर को ला रहा हूँ, वो हेल्प करेगा, करेगा, यस और यस, ही विल डू ओवर बेस्ट, फिर भी वो 2% होगा सारी चीज मिलाकर, 90% आप वैसे तैयार रहना। ओके, चलो मोटिवेशन जरूरी है, चलो अब इनका स्वागत करेंगे, मनीष जी प्लीज वेलकम। लड़के के बारे में तो क्या बताऊँ, बहुत एनर्जेटिक है, पहले ही एपिसोड में ऐसी गाँव वाला था, वाच वाला सबको बताइए, जहाँ पे बस भी नहीं जा रही, कुछ भी नहीं, सबके आने का टाइम फिक्स होता है, करीना कपूर से शुरुआत होती है सबके, करीना कपूर तक, करीना कपूर से करीना कपूर, उनकी मम्मी इतने हार्ड वर्किंग है, बच्चे के लिए मेरा मतलब ना ये रोल नहीं है, प्लीज आप भी कर लो ना, तो वाकई में फर्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छा, ऊपर की मेरी ऑफिस थी और काफी अच्छा रोल किया, तो दोनों के लिए दिल से एक अगेन शुक्रिया। उनका लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करे, और ज्यादा हार्ड वर्क ना हो, और जल्दी से जल्दी जो सोचा है उनको मिले, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज क्लैपिंग गाइस, अब इनको फोटोग्राफ रखना प्लीज। Thank you.